वक्त और कलयुग में बिना उनकी दया कृपा के नहीं मिल सकती। प्रेमियों, अन्य युगों में समझाने बताने के लिए, अच्छे रास्ते पर अच्छे कर्मों में लगाने के लिए कथा वार्ता रखी गई थी, लेकिन कलयुग का जीव कमजोर हो गया, इतना कमजोर, इतना भोगी विलासी, तो इसके लिए संत महापुरुषों ने सत्संग रखा, सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार, जो जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है, जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी, उस मिलाने वाले युक्ति का नाम सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये तो आपने सुना पड़ा नहीं था, ना आपको किसी ने बताया था। तो ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सतयुग आ रहा, इस अभियान का आज ये पहला दिन है और इसी में होली मिलन महोत्सव पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का, शिष्टाचार और मर्यादा, परिवार समाज देश मानव इंसानों में बनी रहे, इसलिए ऋषि मुनियों की बनाई परंपरा जिसको त्योहार कहते हो, रस्म और रिवाज, तरह तरह के त्योहार इस भारत भूमि पर ऋषियों ने इन मानव इंसानों में एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता लाने के लिए ये सब बना के रख दी। प्रेमियों, विज्ञान ने कोई त्योहार नहीं बनाया और न वैज्ञानिक विद्वान कोई त्योहार बना सकते, और जो ऋषि मुनियों के महात्माओं के बनाए उनको आपका विज्ञान वैज्ञानिक खत्म भी नहीं कर सकता, ये दोनों काम इसके बस के नहीं है। कितनी बड़ी चीज तुम्हारे में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत बना रहे, एक दूसरे के काम आते रहो, सेवा करते रहो, ये सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म स्मोरा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में जो उनका अनुभव का ग्रंथ है उसमें समय से लिख करके रखा कि सबसे बड़ा काम सेवा का, और कौन सी सेवा, 3 बार कहो सेवा तो क्या निकलेगा, सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मिल जाए, वो मालिक मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, दर्शन दीदार हो जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, जीवात्मा अपने घर का मंगल लोग हमेशा के लिए पहुंच जाए। प्रेमियों, सेवा उसे कहते हैं जो तुम समाज की सेवा करते हो, वो तुम्हारी परमार्थिक सेवा नहीं है, वो तो कर्मों की अदायगी का, जो तुमने किसी का ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, सम्मान ले लिया, अपमान कर दिया, अश्लील वर्ण शब्दों का प्रयोग कर दिया, अपमानित कर दिया, ये सब कर्म कर्जा है और कर्म कर्जा यहां कोई तुम्हारा अदा नहीं करा सकता। प्रेमियों, एक बार जीवात्मा के अंदर इच्छा उठी, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्यनामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी, इसके अंदर इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा। सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया, अरे नहीं वहां कुछ नहीं, वो सबसे नीचे काल माया का देश है, वहां रात और दिन है, दुख और सुख है, मार और काट है, यानी अच्छा और बुरा है, पाप और पुण्य है, वहां सब मिलोनी रचना है, वहां निखालिस कोई रचना नहीं। लेकिन जीवात्मा ने जिद हट किया, नहीं नहीं मेरी इच्छा है,
मुझे भेज दो, मैं देखने जाऊंगा। जीवात्मा की इच्छा के मुताबिक सत्पुरुष जो सबका सहसा, सबका सर्वेश्वर मालिक अनामी है, महाप्रभु है, उसको संतों ने सत्पुरुष नाम रखा। सत्पुरुष है, उसने जीवात्मा की इच्छा के मुताबिक उसको मृत्युलोक मंडल पर उतार दिया, ऐसे नहीं भेजा। तो कहते एक बार की नहीं भेजा, क्योंकि ये जीवात्मा बगैर खोल शरीर जिस्म के नहीं रह सकती। जो जब सत्पुरुष है वहां तो सत्यलोक में तो कोई शरीर नहीं था, जब वहां से जीवात्मा को उतारा तो कारण लोक में कारण शरीर का कपड़ा है वहां का, उसको पहना दिया। कारण कपड़ा खोल जो पांच तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसको पहना दिया। फिर उसके नीचे उतारा जीवात्मा को तो सूक्ष्म लोक है, उस सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक का कपड़ा है नौ तत्वों का, चल यानी चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये नौ तत्वों का कपड़ा पहना दिया। उसके नीचे जब जीवात्मा को उतारा तब ये लिंग शरीर जिसको आप देवलोक कहते हो, जहां देवी देवता रहते हैं, ये यहां पर 17 तत्वों का कपड़ा, पांच इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, ये 10 इंद्रिया, चतुष्ट अंतःकरण यानी मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और तीन गुण सतोगुण तजोगुण रमोगुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सबसे नीचे जीवात्मा जहां के लिए जिद हट कर रही थी हमको भेज दो, जब ये इस मतलब यानी मृत लोक में आई तो यहां पांच तत्वों का कपड़ा है, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब प्रेमियों विचार करो कि जीवात्मा पर कितने खोल हो गए, एक तो कारण शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का और स्थूल शरीर का, ये चार कपड़े पहना दिए। कैसे इसको बंद किया गया, पहले इस पर आप विचार कीजिए, तब आपको संतों की आध्यात्मिक विद्या पराविद्या समझ में आएगी। ऐसे आने वाला कुछ नहीं आप, क्योंकि ये तुमने कभी सुना भी नहीं था और न तुमने कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर जितने आए बताने समझाने वाले सब शरीर और इंद्रियों तक सीमित रहे, और आपको इसीलिए शरीर की विद्या आपको सिखा दी और शरीर की साधना सिखा दी, इंद्रियों में योग और वैराग संयम की साधना सिखा दी, तो शरीर को योग के बल पे लोगों ने हजारों वर्ष तक इसको रखा है। लेकिन यो इस योग से जीवात्मा नहीं जुड़ती, जीवात्मा संतों के शब्द योग से, नाम योग से जुड़ती, इसी को संतों ने सूरज शब्द योग कहा है। इसके द्वारा जीवात्मा जगती है और तब ये परमात्मा से मिलती है। देखो कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखकर खड़ी। अब ये चार कवर खोल जीवात्मा पर चढ़ गई। मृत्युलोक में आते आते जो इन चारों खोलों को उतारने की शक्ति ताकत रखता है वो जीवात्मा को नाम दान देगा, और वही नाम रो शब्द रोड पकड़ाएगा, और वही अपने जगाए नाम जहाँ पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। जय गुरुदेव। और ये काम सृष्टि में किसी का नहीं, राज पर धनौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे ये तो मिल सकती है आपको, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाली परमात्मा से मिलने वाली ये युक्ति यहां आपको कोई नहीं दे सकता। ये अधिकार केवल उसी को है जो उस
जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका यानी मतलब रखवाला और सबका रहवर रहनुमा, उसी को सत्पुरुष कहते। जब उसके हुक्म से जो इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा वो सदगुरु कहलाएगा, वो फिर नाम को जगाएगा, फिर नाम डोर शब्द डोर इन सुरतो रिजु रूह जीवात्माओं को पकाएगा और वही अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। जय गुरुदेव। तब ये जीवात्माएं मुक्त हो सकती। ये प्रेमियों है सच्ची मुक्ति। तुम मुक्ति और मोक्ष नहीं समझ पाए। मोक्ष किसे कहते हैं? मोह आदि विकारों का क्षय मोक्ष कहलाता है। मोह आदि विकार खत्म करा दिया जाए वो मोक्ष। लेकिन मुक्ति वो शक्ति वो ताकत जो संत महापुरुष इन जीवात्माओं को दे दे, इनको जगा दे और इनका जो आधार है शक्ति ताकत है, इनका सुरक्षा कवच जो नाम की युक्ति है, ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ा दे, तब ये जीवात्मा मुक्त हो सकती है, आजाद हो सकती है, काल माया के तेज से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा ये जाने वाली नहीं है। ये आज से थोड़ी बहुत दिनों से बेचारी बंद पड़ी। संत गोस्वामी जी महाराज यही जीवात्मा परमात्मा के राज रहस्य को बताना चाहती और रामचरितमानस में उन्होंने यही सब लिखा, लेकिन ये भेद तुमने खोज नहीं पाया। इतने पढ़ने वाले, बचने वाले, सुनाने वाले, गाने वाले तो मिले आपको रामचरितमानस के, लेकिन परमात्मा का दर्शन दीदार कराने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, इसको इसके घर पहुंचाने वाले नहीं मिले। और जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक ये जीवात्मा का छुटकारा नहीं होगा। ये आजाद स्वतंत्र नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी महाराज इसी को तो आपको बताना चाहते थे, लेकिन तुमने उनके रामचरितमानस ग्रंथ को मनोरंजन समझ लिया, कथा वार्ता समझ ली, प्रवचन भाषण समझ लिया, जबकि वो वहां करने का विषय है। जब करनी करोगे तभी कुछ मिलेगा, तभी कुछ बनेगा, बिना करने के कुछ नहीं। पढ़ने से, किताबें पढ़ने से कोई महात्मा थोड़ी बन जाएगा। क्या किताबें महात्मा बना देगी? अरे जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया है, परमात्मा से मिलाया है, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला है, ऐसा अगर संत महात्मा आपको मिल जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा, बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। इसलिए प्रेमियों, गुरु महात्मा कोई दाढ़ी वाल का नाम नहीं, कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं। गुरु गुरु महात्मा कोई जात बिरादरी का नाम नहीं। गुरु महात्मा कोई जमीन जायदाद घेरने वाले को नहीं कहते, और जमीन पर मकान इमारत मठ मंदिर गिरजा घर गुरुद्वारे बनवाने वाले का नाम गुरु महात्मा नहीं। तो गुरु कोई शिष्य बनाने वाले का नाम नहीं। शिष्य से यानी रुपया पैसा धन दौलत सामान लूटने वाले, घसुटने वाले और संचय करने वाले का नाम गुरु महात्मा नहीं। गुरु किसे कहते हैं? देखो शाब्दिक अर्थ, गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। वो गुरु बनने का अधिकारी है। लेकिन तुमको ये राज कुछ मालूम नहीं, तुमने भिखारियों को गुरु मान लिया। अरे गुरु देने वाला है कि लेने वाला? गुरु देता है, लेता नहीं है। लेने वाले को भिखारी कहते, देने वाले को दाता कहते। अरे सबका दाता है, सबका भला करता है, सबको बरकत देता है, सबकी संभाल करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको पाप प्रमोद से बचाता है, उसको कहते गुरु। लेकिन
तुमने गुरु नाम भी नहीं पढ़ा था। भगवान राम ने किसकी पूजा की? चलो भगवान से बताएं तब तो आपके समझ में आ जा कि भगवान तो झूठ नहीं बोलता। तो भगवान राम ने किसकी पूजा की थी? कोई मंदिर बनाया था, कोई मूर्ति लगाई थी, कि भगवान राम ने कोई कागज के कैलेंडर छपवाए थे? क्या लिखा रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज ने? बड़ा ध्यान से सुनिए, ये सत्संग है जो तुमको कभी मिला ही नहीं था। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? कि प्रातः समय उठ के रघुनाथ माते पिता एक गुरु नाम माता। भगवान राम क्या करते थे? सुबह उठ के माता पिता गुरु की पूजा करते, चेतन पूजा। यानी भगवान चेतन पूजा कर रहा माता पिता गुरु की, और इंसान जड़ पूजा कर रहा कागज पत्थर पानी की। तुम तो भगवान की भी बात नहीं मानते, इंसान की छोड़ दो भगवान की बात भी नहीं मानते, और कहते हम पुजारी हैं, हम जानकार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं। ये सब आपका कहना कपोल कल्पित काल्पनिक, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, और ना ये कहने से तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला है। ये सब कहना अहंकार का रूप है, और प्रेमियों जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। तो भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कहा मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया। जब लंका से जीत कर अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई, कहा मेरे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया है, बड़ा साहसी कार्य किया है। लेकिन जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही, तो दौड़ करके आए, कहे नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कहा भगवान ये किसने किया? दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा मदद, और मतलब धर्म की स्थापना, ये किसने किया? तो भगवान राम ने क्या कहा, हाथ जोड़ के अपनी प्रजा से क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे आई लिखी कृपा हाथ अनुज हमारे। कहा मैंने कुछ नहीं किया। भगवान राम प्रजा से कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कुल के ये सबसे पवित्र कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु वशिष्ठ की कृपा से हो गया। भगवान राम कहते मैंने कुछ नहीं किया, और कहा अपने लिए नहीं, कहा मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया। प्रेमियों भगवान राम का कितना बड़ा कुल है, जो जानकारी मिल रही धर्म शास्त्रों से कौन सबसे बड़ा है? कहा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे कुल में सदैव गुरु की पूजा। तो भगवान राम का कुल कितना बड़ा है, जहां से इतिहास जानकारी दे रहा, राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज के राजा दशरथ, राजा दशरथ के राजा राम, और राजा राम के लोकुश, ये भगवान राम का कुल है। उन्होंने कहा मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। आपने भगवान की बात नहीं मानी, अगर भगवान की बात मान लेते तो इंसानियत मानवता का हनन नहीं होता। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव इंसान के दिल दिमाग से नहीं जाती, और मानव बुद्धि से माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान नहीं जाती। ये सब काम तुम्हारा अब तक सब हो गया था, लेकिन तुमने तो किसी की बात ही नहीं मानी। प्रेमियों जब जीवात्मा अपने हट से अपनी इच्छा मुताबिक
इस मृत्यु मंडल पर आ गई तो काल माया ने देखा और काल ने पूछा, रे भाई क्या लेके आई। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार ये सब भरी पड़ी थी। तपस्या, त्याग, संयम बड़ा भी था, अच्छा खान पान भी था, लेकिन काल ने कितनी चालाकी करके जीवात्मा को बहका दिया। और जो सत्पुरुष ने सुरक्षा कवच, ये उसकी संभाल का रक्षा, हिफाजत का यही नामदार था, इसी को नामदार सत्पुरुष कहते, पकड़ के भेजा। तो जब उसने कहा काल ने, अरे फेंक इस सामान को, मेरे साथ देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के कहने पर अच्छा वाला गिरा दिया। फिर काल ने कहा, ले झूठ, ये छल कपट बेईमानी, ये हिस्सा चोरी, ये मार काट और बच्चों यानी धोखाधड़ी और ये अशुद्ध खान पान। काल ने दिया, हमने अपने सबने लिया। अब प्रेमियों, एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी अनोखी आवाज जो सृष्टि में किसी ने नहीं लगाई, या ऐसी परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई जैसी परम पूजनीय बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको समझ नहीं पाया, उनको जान नहीं पाया, मान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, तुम्हारे लिए सब धोखा हो गया। जबकि बाबा जी ने ऐसा संकल्प जो सृष्टि में किसी ने कभी लिया ही नहीं, यही समर्थ गुरु की पहचान है। कहा था, बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी,